गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी इन इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 11। चैप्टर नेम इज मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं और ये वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। ये एज ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वी विल मीनिंग ऑफ दीज प्रोनाउंस। मी, मी मीन्स होता है मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसका, फीमेल गर्ल्स के लिए प्रयोग करते हैं, इट मीन्स यह, देम मीन्स उनके, हिज मीन्स उसका, हम इसे मेल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेक सेंटेंस, ये सारे प्रोनाउंस हैं, इनके हम मेक सेंटेंसेस बनाएंगे। मी, मी मीन्स होता है मुझे, इसका मेक सेंटेंस प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, कृपया मुझे एक पेंसिल दीजिए। यहाँ पर मी को हमने वर्ब के बाद लगाया है। ये जितने भी प्रोनाउंस इन्हें वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। गिव मी, अगर हम यहाँ पर गिव आई लगाएंगे तो वो हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा अमन गिव मी एन एप्पल, अमन ने मुझे एक सेब दिया। सेकेंड अस, अस मीन्स होता है हमें या हमारे, प्लीज़ कम विद अस, कृपया हमारे साथ आइए, विल यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे। थर्ड इट, इट का अर्थ है यह है, इसका सेंटेंस यू लाइक इट, तुम इसे पसंद करते हो। नेक्स्ट प्लीज़ गिव इट टू मी, यहाँ पर हमने दो प्रोनाउंस को यूज़ किया है, इट और मी। प्लीज़ गिव इट, कृपया इसे या यह है मुझे दीजिए। फोर हिम, हिम का अर्थ होता है उसे, आई प्लेड विद हिम, मैं उसके साथ खेला। सी वॉट हिमा बुक, वह या उसने उसके लिए एक पुस्तक खरीदी या लाया। फाइव हर, हर का अर्थ होता है उसका, और ये हर हमने बताया था पहले भी, ये हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। हर डॉल इज प्रिटी, उसकी गुड़िया सुंदर है। हर नेम इज रीना, उसका नाम रीना है। देम, देम का अर्थ होता है उनके, इसका सेंटेंस वी प्ले विद देम, हम उनके साथ खेलते हैं। आई हेल्प देम इन स्टडीज, मैं उनकी पढ़ाई में मदद करता हूँ। सेवन हिज, हिज का अर्थ होता है उसका या फिर उसे। हिज लाइफ इज ग्रेट, उसका जीवन महान है। ही फॉरगॉट हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करना भूल गया। धन्यवाद।